बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 9.5 तक जो है वो हम ख़त्म कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 9.6 का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसका हमें सामना है, उनको हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं और इनको कैसे सॉल्व करना है, आइए इस चीज़ को डिस्कस करते हैं और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus px into y is equal to qx, यानी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर होगा और यहां पे कोई x वाली रकम हुआ करेगी, उस x वाली रकम के साथ y की डिग्री 1 वाली टर्म होगी और राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ x वाली टर्म हुआ करेगी। तो इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करेगी, उसको हम कहते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने एग्जैक्ट कैसे बनाना है? इंटीग्रेशन फैक्टर, इट्स इंटीग्रेशन फैक्टर इज इंटीग्रेशन फैक्टर इज इंटीग्रेशन फैक्टर विल बी इक्वल टू जो भी p होगा, ये p पकड़ा, इसको e की पावर पे ले जाके इसको इंटीग्रेट कर दिया, पी एक्स इंटू डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कोई ना कोई आंसर आएगा। वो जो आंसर आएगा उसको आप जो गिवन इक्वेशन होगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन by integration factor, it will become exact। और फिर आगे इसको कैसे हल करना है, इसका तरीकाकार मैं आपको जब एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं तो क्वेश्चंस के अंदर बताऊंगा। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है dy by dx is equal to, यहां पे देखें ये x वाली रकमें हैं साथ y है, is equal to x, तो ये लीनियर होगी। इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो यहां पे देखें ये डी वाई बाई डी एक्स, तो पी एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स। हेयर पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स। अब इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना चाहते हैं हम, इंटीग्रेशन फैक्टर किसके बराबर आएगा, आइए देखते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर और ये आ गया टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। फर्दर इट कैन बी रिटन एज e की पावर 2x ओवर x प्लस 1 ओवर x इंटू डी एक्स। आप इसको एक्सपोनेंशियल ऑफ x भी लिख सकते हैं, ई एक्स पी लिखे ना ऐसे, ई एक्स पी, तो आगे आप इसको करते जाएं। ये x x के साथ कट गया तो यहां पे आ गया 1 प्लस, नहीं 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 2 प्लस 1 ओवर x इंटू डी एक्स। दिस इज फर्दर इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर किसके बराबर आया, इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू 2 का इंटीग्रल क्या आएगा, e की पावर 2x और 1 ओवर x का इंटीग्रल log ऑफ x। अब आप ऐसा करें, इसके दो टोटे कर दें, पहले में आएगा e की पावर 2x, फिर आएगा e की पावर log ऑफ x
और आप लोग जानते हैं कि ई और लॉग आपस में कैंसिल, और यहां से सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलेगा, एक्स। सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर 2x। ये हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर आया। इस इंटीग्रेशन फैक्टर को अब क्या करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 1 बाई इंटीग्रेशन फैक्टर विच इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर 2x। तो ये क्या बन गया फिर, एक्स इंटू ई की पावर 2x dy बाई dx प्लस 2x प्लस 1 ओवर x के साथ आ गया x इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल टू x ई की पावर माइनस 2x और साथ आ गया x इंटू ई की पावर 2x आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाला x इस x के साथ खत्म, फिनिश, खलास। ये आ गया dy by dx प्लस 2x प्लस 1 इंटू ई की पावर 2x इंटू y यहां से मिस हो गया इज इक्वल टू। अब ये देखें e की पावर 2x, e की पावर 2x है, खत्म, फिनिश, खलास। अब ये जो बात मैं करने जा रहा हूं इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से अपने दिमाग के अंदर फिक्स कर लेनी है। ये जो सारी चीज़ है ना, ये वाली सारी चीज़ पता है किसके बराबर होगी, ये जिस पर मैंने दायरा लगाया है, ये दैट विल बी इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे आप d ओवर dx। अब आपका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आया है, x इंटू ई की पावर 2x और साथ आप क्या लगाएंगे, y इज इक्वल टू x। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देखें तो यही आंसर आपके पास आएगा, राइट? अब आप इसको, इसका मैं जवाब बाद में देता हूं, पहले मैं इसको सॉल्व कर लूं क्योंकि सॉल्यूशन इसका करीब है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये आ गया d ओवर dx x इंटू ई की पावर 2x इंटू y इज इक्वल टू x को इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव खत्म, फिनिश, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो e की पावर x इंटू ई की पावर 2x इंटू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट। यह है आपका आंसर। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि इस सारे की जगह पे ये कैसे आया, आइए देखते हैं। d ओवर dx ये आ गया x इंटू ई की पावर 2x इंटू y। अब यहां पे ये तीन फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस पर लगेगी u इंटू v इंटू w फॉर्म। पहले x को डिफ्रेंशिएट किया, 1 आ गया, ये दोनों एज इट इज आ गए। फिर हमने x एज इट इज e की पावर 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू ई की पावर 2x y एज इट इज आ गया। फिर x इंटू ई की पावर 2x ये दोनों एज इट इज, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dx आ जाएगा। अब यहां से क्या कॉमन निकलता है भैया, यहां से y इंटू ई की पावर 2x कॉमन निकलता है तो ये आ गया 1 प्लस 2x और प्लस x इंटू ई की पावर 2x dy बाई dx। तो ये देखें x इंटू ई की पावर 2x dy बाई dx ये वाली टर्म आ गई और 1 प्लस 2x y इंटू ई की पावर 2x ये वाली टर्म आ गई। तो इतनी बड़ी टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। हाउ यू विल रिमेंबर इट, आप इसको याद कैसे करेंगे कि d ओवर dx लिख के जो भी इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा उसके साथ आपने y लगा देना है, राइट? जो भी इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा उसके साथ y लगाएंगे। एक्सरसाइज 9.6 जारी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आर्ट हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं।
इसकी भी शक्ल बिल्कुल वैसी ही है. इट इज ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स. ये क्यू की जगह पे आ गया, ये वाई वाई की जगह पे, और थ्री ओवर एक्स की जगह पे क्या आया, पी एक्स. तो हेयर पी एक्स इज इक्वल टू थ्री ओवर एक्स. हम अब इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं. इंटीग्रेशन फैक्टर विल बी इक्वल टू ई की पावर थ्री ओवर एक्स डी एक्स. अब थ्री ओवर एक्स की इंटीग्रेशन किसके बराबर आ जाती है, थ्री लॉग ऑफ एक्स. लॉग की प्रॉपर्टी के तहत यूजिंग एम इंटू लॉग ऑफ एक्स बराबर होता है लॉग ऑफ एक्स की पावर एम. तो फिर ये जो थ्री है ये एक्स की पावर बनेगी ई की पावर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, और ई और लॉग आपस में ख़त्म हो जाते हैं लॉग की प्रॉपर्टी के तहत. तो ये आ गया एक्स क्यूब. ये है हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर. इसको हम क्या करेंगे, इसको उठाकर इक्वेशन नंबर वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई वन बाई एक्स क्यूब. तो वन क्या बनेगी, देखिए जरा, एक्स क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री ओवर एक्स इंटू एक्स क्यूब, और साथ आएगा इसके वाई इज इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर थ्री. दिस इज फर्दर इक्वल टू एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स एक्स के साथ खत्म फिनिश खलास इज इक्वल टू सिक्स एक्स क्यूब. अब ये सारी टर्म किसके बराबर आएगी, ये जरा बात फिर गौर से देखिएगा. इसको देखें जरा, ये आएगा डी ओवर डी एक्स. अब हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आया है, एक्स क्यूब. तो एक्स क्यूब के साथ हम सिंपली क्या लगा देंगे, वाई इज इक्वल टू सिक्स एक्स, ये फाइव आएगा. अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देखें, यही रकम आएगी. ये देखें, ये एक्स क्यूब एज इट इज, वाई को डिफ्रेंशिएट किया डी वाई बाई डी एक्स आ गया. फिर y एज इट इज x क्यूब को करेंगे थ्री एक्स स्क्वेयर आ गया इज इक्वल टू सिक्स एक्स की पावर फाइव. तो ये देखें x क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर वाई. तो इसका मतलब है इसको ऐसे लिखा जा सकता है. तो याद रखने की टेक्निक मैंने क्या बताई है कि जो भी इंटीग्रेशन फैक्टर आए उसके साथ y लगाएं, जो भी इंटीग्रेशन फैक्टर आए उसके साथ y लगाएं. अब आप इसको करेंगे इंटीग्रेट. Integrating both sides, you will get d over dx into x cube y is equal to 6x5 into dx. अब देखें ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के कन्वर्स होते हैं, इन्वर्स होते हैं, ये कैंसिल एक दूसरे के साथ. और यहां पे ये आ गया x cube y is equal to, इसको इंटीग्रेट करेंगे पावर रूल लगेगा, ये आ जाएगा सिक्स ओवर सिक्स प्लस सम कांस्टेंट, सिक्स सिक्स से कैंसल, एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर सिक्स प्लस सी. मजीद आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये लें, इसको चुप कर इधर ले आए. अगर आप एक स्टेप और करना चाहते हैं तो एक्स क्यूब यहां से कॉमन ले सकते हैं, और उसके बाद मजीद सिंप्लीफिकेशन इज नॉट पॉसिबल. क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सरसाइज 9.6. देखने में ये फिलहाल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नज़र नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नज़र आने वाली है. अब ये देखें, डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशियंट वन होना चाहिए, यहाँ पे ये एक्स प्लस वन है. तो इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स. तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, एक्स प्लस वन के साथ डिवाइड करूँगा, डिवाइड बाय एक्स प्लस वन. What you will get, ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस एन ओवर एक्स प्लस वन. अब ज़रा एन और एक्स में ज़रा लिखने का स्टाइल एक है, तो मैं एक्स को थोड़ा सा लंबा करके लिखूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. ये आ गया वाई इज इक्वल टू
ई की पावर एक्स एक्स प्लस वन की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, इसके साथ मैंने डिवाइड कर दिया है। अगले स्टेप में ये क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एन ओवर एक्स प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन की पावर एन रह जाएगी जी। नाउ इट इज ऑफ द फॉर्म, अब ये लीनियर बन चुकी है, इट इज ऑफ द फॉर्म, इसकी शक्ल किससे मिलती जुलती है, मिलती जुलती नहीं है बल्कि एग्जैक्टली सेम होगी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो पी एक्स की जगह पे क्या है, यहां पे पी एक्स की जगह पे है माइनस एन ओवर एक्स प्लस वन, पी एक्स इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एक्स प्लस वन। आइए अब हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एन ओवर एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। अब x प्लस वन को ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो इसका इंटीग्रल आएगा माइनस एन लॉग ऑफ x प्लस वन। अब लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होने का वक्त आ गया है, ये पावर साइड पे है तो इसकी इसके लिए मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा लॉग यूजिंग, अगर m साइड पे हो और लॉग ऑफ x इधर हो तो इसको लॉग ऑफ x की पावर m लिखा जा सकता है। तो इसी तरह इसको इसकी पावर माइनस एन लिखा जा सकता है। तो ये फिर बनेगा इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर लॉग ऑफ एक्स प्लस वन की पावर माइनस एन। अब ये लॉग आपस में ख़त्म, फिनिश, खलास। तो ये आ गया एक्स प्लस वन की पावर माइनस एन, जिसको मैं वन ओवर एक्स प्लस वन की पावर एन लिख सकता हूँ। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ इस इक्वेशन के साथ नहीं, बल्कि ये जो इक्वेशन है जिसको मैंने लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया था उसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई वन बाई मल्टीप्लाई वन बाई इंटीग्रेशन फैक्टर, यू विल गेट वन ओवर एक्स प्लस वन की पावर एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एन ओवर एक्स प्लस वन। और इधर क्या है, वन ओवर एक्स प्लस वन, ओहो ये साथ आया आपका एक्स प्लस वन की पावर एन, ब्रैकेट अब लगानी बड़ी ज़रूरी हो चुकी है। और साथ क्या है, वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, खूबसूरत करके लिखो ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन की पावर एन, और साथ इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, वन ओवर एक्स प्लस वन की पावर एन। ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे, ठीक है, और ये किसके बराबर आया, वन ओवर एक्स प्लस वन की पावर एन डी वाई बाई डी एक्स माइनस एन ओवर एक्स प्लस वन की पावर एन, और वन मिलके बनी एन प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू आफ्टर कैंसलाइजेशन ये जस्ट ई की पावर एक्स के इक्वल आएगा। अब ये सारी चीज किसके बराबर होगी, इसका मैंने आपको टेक्निक बताया था कि डी ओवर डी एक्स लिख के जो भी इंटीग्रेशन फैक्टर हो, व्हाट इज योर इंटीग्रेशन फैक्टर, योर इंटीग्रेशन फैक्टर इज माइनस, किधर गया, ये है वन ओवर एक्स प्लस वन की पावर एन के साथ हम क्या लगाएंगे, वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब आप इसको जब डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका आंसर यही आएगा। अब आप इसको करेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करेंगे तो डी ओवर डी एक्स वाई ओवर वन प्लस एक्स की पावर एन
e की पावर x dx विल बी इक्वल टू, ये दोनों खत्म, फिनिश, खलास, इज इक्वल टू e की पावर x का डेरिवेटिव इंटेग्रल, e की पावर x का इंटेग्रल e की पावर x ही होगा, प्लस सम कांस्टेंट. दिस इज योर आंसर. आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस px into y is equal to qx. ये तो qx के बराबर आ गया, ये y के बराबर आ गया. तो यहां पे 3 किस चीज का रोल अदा कर रहा है? px का. तो हेयर px इज इक्वल टू 3. px की वैल्यू 3 के बराबर आ गई. और व्हाट विल बी योर इंटीग्रेशन फैक्टर इन दिस केस? 3 को e की पावर में ले जाकर इंटीग्रेट कर दें, यू विल गेट e की पावर 3x. अब इस इंटीग्रेशन फैक्टर को गिवन इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करें. आप मल्टीप्लाई 1 बाई e की पावर 3x, तो ये क्या बनेगा? e की पावर 3x इंटू dy बाई dx प्लस 3y e की पावर 3x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर. e की पावर माइनस 3x के साथ e की पावर 3x को मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये जो सारी चीज़ है जो लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद है, इसकी टेक्निक मैंने क्या बताई है आपको? d ओवर dx लिखेंगे आप. और क्या कौन सा इंटीग्रेशन फैक्टर आया आपका? e की पावर 3x. तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम? y लगाएंगे. और ये दोनों आपस में ख़त्म, फिनिश, खलास. अब आप दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रेट. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड d ओवर dx e की पावर 3x इंटू y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx. ये तो दोनों आपस में कट गया, बोथ आर कैंसल्ड, यू विल गेट e की पावर 3x इंटू y इज इक्वल टू, इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, पावर में एक इजाफा, वही नीचे आ जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट, 3 के साथ कैंसल, e की पावर 3x इंटू y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस c. दिस इज योर आंसर. इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं. अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और जब आप हमारी वीडियो देखते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक का जो बटन है उसको भी पुश कर दिया करें. और अगर आप लाइक कर लेते हैं तो फिर उसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें. अगली वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.